वीडियो की शुरुआत में हम वीर को शेल्टर के बाहर देखते हैं और हम देखते हैं कि उधर से भीम की आर्मी और भीम का साथी आता है। भीम वीर के पास आकर बोलता है, क्या तुम वही आदमी हो जिसने मुझे चौथे भाई ने मुझे बताया था? फिर आसपास के लोग बात करते हैं कि नहीं, ये तो हम सब पर बोझ रहेगा, इसे कैसे लेकर चले हम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा आदमी लिया, वहाँ के बंदे बात करते हैं। वीर उनकी बात सुनकर कहता है, लगता है आप लोग अकेले ही काम करना चाहते हो, अपने किए गए काम को ग्रैंड मास्टर अवनी से साझा नहीं करना चाहते हो। इतने में ही काड़ो बीच में आकर बोलते हैं, जो तुमने सुना वह सही सुना, अब यह काम हम करने जाएंगे और वहाँ खेलने के लिए नहीं जा रहे हम लोग। तभी भीम कहता है, अरे ओ कालिया, हमें किसी और की तलाश करनी चाहिए, यह आदि पुरुष के लायक नहीं है रे। इसके बाद में कालिया जवाब देता है, अरे नहीं, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए क्योंकि उसके बारे में सेंटियान जी और उसके दोस्तों ने उसे हमारे बारे में सूचना दी है। इतना कहने के बाद ही भीम बीच में बोलता है और कहता है, हाँ तुम मेरी योजना के अनुसार चलते रहो और जब हमारा यह काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में एक डेविल सोल माउंट दूंगा, ठीक है ना? भीम वीर से कहता है, तुम अपनी आप को साबित करो। फिर वीर कहता है, ठीक है। फिर हम व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीर और उसके सभी साथी उस एलियन को मारने के लिए चले जाते हैं। वीर मन ही मन में सोचता है कि यह जगह हमारे शेल्टर से 7 किलोमीटर दूरी पर ही है और इसमें हमें 3 दिन लगा है और यह माउंट बहुत ही तेज गति से चला है, जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। इसके बाद में हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसमें जिसके बाहर सभी लोग खड़े हुए थे और भीम सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, बस हाई अलर्ट पर रहो। और उसके बारे में सभी लोग कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, ऐसी बातें करते हैं और सभी लोग गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वीर गुफा के अंदर दीवारों को देखता है तो उनसे पूछता है कि जब पिछली बार आप यहाँ शिकार करने के लिए आए थे तो यहाँ पर इन खून के डब्बों को आपने किया था क्या? वीर की बात सुनकर कालू तभी वीर से कहता है कि हाँ, जब पिछली बार हम यहाँ पर आए थे तो वह उसका कवच बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और उसने हम पर हमला कर दिया और हमने बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद में सभी लोग रुक जाते हैं और भीम वीर को बताता है कि वह इस वक्त के नदी के किनारे पर आराम कर रहा होगा और हम सभी लोग उसका ध्यान भटका देंगे और तुम्हें केवल पानी में उस समय गोता लगाकर उसके पेट में हमला करना है क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह है जो उसका कमजोर बिंदु है, ठीक है ना? फिर वीर कहता है, ठीक है। वीर के हाँ करने के बाद में हमें वह गुफा दिखाई जाती है जहाँ चारों पर और खून था और हमें वह प्लेन के हिसाब से कार्य करते हुए लोग बात करते हैं। वीर एलियन को देखकर सोचता है कि वह एलियन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रक्षा के मामले में वह एलियन टॉप पर होगा, है ना? जब सभी लोग उस एलियन को देख रहे थे तो वीर उनसे कहता है कि भाई, सबसे पहले आप मुझे वह माउंट डेविल सोल दे दो क्योंकि आपके प्लेन बहुत ही जोखिम भरा है। जैसे ही वीर यह कहता है तो सभी लोग कहते हैं कि यह सही वक्त नहीं है ये सब कहने का, क्या तुम्हें मैं इतना अनलक्की दिखता हूँ? और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें इस पर पहले से ही विश्वास नहीं था, यह असलियत में हमारे साथ नहीं है। लेकिन भीम उसे वह डेविल सोल माउंट दे देता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम इसमें विफल रहते हो तो मैं तुमसे वह माउंट डेविल सोल वापस ले लूँगा। सभी लोग प्लेन के हिसाब से काम करने लगते हैं और कहते हैं कि सभी लोग तीन टीमों में डिवाइड हो जाओ, 2 लोग तो हमारे पीछे रहेंगे और 2, एक वीर और एक बंदा दूसरे के साथ रहेगा और कालू और मैं दोनों साथ रहूंगा, भीम ऐसा कहता है और सभी लोग हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। भीम और कालू दोनों हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और उस एलियन के ऊपर पत्थरों से हमला करने लग देते हैं। जैसा भीम ने और सभी लोगों ने आशा की थी उसी प्रकार की उसका उस एलियन का ऊपर का खोलता उस पर चट्टानों का एक रोज भी नहीं लगा है। उस हमले के कारण वह एलियन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपने आप को इस तरह से सिकोड़ लेता है कि वह एक गेंद की तरह हो जाता है और उन दोनों की ओर हमला करने लग जाता है। जब पिंकी वीर से कहते हैं कि जाओ जल्दी करो और पानी में गोता लगाओ, उसे लालच देकर अंदर पानी में से दूर किया गया है। वीर पानी के अंदर गोता लगा देता है और वह पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है तेजी से तैरने की। जब वह एलियन भी और कालू के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो वह हमले के कारण वहाँ की जो गुफा थी उसकी चारों ओर की चट्टानें नीचे किसी भी वक्त गिर सकती थी, ऐसा कहते हुए भागते हैं। इसके बाद में दूसरी टीम अपना टाइम देखकर उसे सोचती है कि चलो उस एलियन को हमारी तरफ बुलाते हैं।
वह ऐसा कहते हैं और वह एलियन बहुत ही जल्दी से उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं और वह उनसे बचने के लिए चले जाते हैं। वीर सोचता है कि अब ये मेरी बारी है और उस एलियन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। और हम देखते हैं कि वह एलियन नदी के पास आता है पानी पीने के लिए जल्दी जल्दी। और जैसे ही वह एलियन उस नदी के अंदर से पानी पीता है और वीर सोचता है कि यह सबसे बेस्ट तरीका है, उसकी बॉडी के नीचे में हूँ, तो जल्दी से वह अपने डेविल सोल तीर को बुलाता है और उसकी पेट के अंदर वह तीर घोंप देता है और वह एलियन जोर से चिल्लाता है और वह एलियन अपनी पूंछ से वीर के सीने के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वह मतलब बचने की कोशिश करता है वीर, लेकिन उसकी पूंछ से वीर के सीने पर लग जाती है और वह दूर उछल जाता है। और वह एलियन अपने गोल गेंद की तरह घूमता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं कि जल्दी जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। और वीर को हम देखते हैं जो चिल्ला रहा था पानी के अंदर, उसे बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था सीने के अंदर। यह जो उसके सीने में लगा था यह बहुत ही तेज लगा था, उसकी मांसपेशियां भी नज़र आने लगी थी। तो यह एपिसोड अब ख़त्म होता है। अगर आप ऐसे एपिसोड और सुनना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, 1K सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए।